ये जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने तीन चार बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे सुबह शाम झूठ बोलते हैं एमएसपी थी एमएसपी रहेगी। अरे कहां एमएसपी? दोस्तों, आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। आज हमारे देश का किसान बहुत ज्यादा दुखी है। तीन महीने से ज्यादा हो गए, 95 दिन हो गए, 95 दिनों से कड़कती ठंड में, पिछले 95 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाई अपने परिवार, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। किसी को मजा नहीं आता ऐसे धरना करने में, किसी को मजा नहीं आता इतनी ठंड के अंदर अपने शरीर को गलाने में। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, छोटी बात नहीं है। 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार की जू नहीं रेंग रही। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा बर्दाश्त, धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान को, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई, 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते, और सारी पार्टियों के घोषणा पत्र उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए, राज्य स्तर पे हो लिए, हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है चुनाव के पहले, सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिए। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है, और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने तीन चार बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं।
सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसान किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक अपने खेत, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, मर करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने बीजेपी वालों ने? हर भाषण में इन्होंने जा जाके प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, MSP उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको, लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब, सरकार बनने के 3 साल के अंदर इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि MSP नहीं देंगे। बात बताओ जी, पता होगा आप लोगों को, आज मैं लाना भूल गया, आपको दिखा देता, केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल, 2014 में सरकार बनाने के 3 साल के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया MSP लागू नहीं करेंगे। ये तो धोखा हो गया जी, ये तो बीच में शराब हो गया, झूठ बोल के वोट ले लिए किसानों के। किसान बेचारे भोले वाले थे, 70 साल से धोखा खा रहे थे। किसानों ने सोचा चलो भाई इस बार ये लोग कह रहे हैं इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बातों में आके किसानों ने वोट दे दिया और उन्होंने धोखा दे दिया। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता, ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुर्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास, इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं MSP है, MSP था, MSP रहेगा, कह रहे हैं ना चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहाँ पे MSP पे नहीं मिली, एक मंडी बता दो जी भाई साहब, नहीं नहीं मिली भाई साहब, इतने किसान है, जरा हाथ उठा के बता दो, सब लोग बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूँ भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिसपे MSP में धान उठता हो या MSP पे एक भी फसल उठती हो, मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने, नहीं उठती वो मंडी देखने चलेंगे जहाँ पे MSP पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, सुबह शाम झूठ बोलते हैं MSP थी, MSP रहेगी, अरे कहाँ MSP, दिखा दो कहाँ MSP में धान उठती है, मिलती क्यों उठती है। और ये तो कह रहे हैं जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन नेताओं से जब केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है MSP नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती, कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब, आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा,
अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो, और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है, सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है, सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे, जोरदार तालियां बजा दीजिए, पीछे तक खड़े होकर जब समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक, बहुत बढ़िया। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया, मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आप दे के जाओ। आप देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, तो दोस्तों आज मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, और मेरे किसान सर नेताओं से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, भाई साहब 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा, बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान आपको अपनी फसल देगा। तो केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी, और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी, सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी, तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास, वो जो पैसा आएगा हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए, किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा, सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उसे। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों एक आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। और दोस्तों ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता, एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे किसान। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अभी ये बता रहे थे भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है, रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है, और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता, क्यों नहीं देता?
मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था। बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई, मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम सेम, तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुमसे भीख मांगने आए हैं? हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। है जी, वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना। ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम अपने क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल देश का नेता कैसा हो, अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार को अंत बंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।